अब रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ ना। जाइए यहाँ से, मुझे नानी से बात करनी है अकेले में। नानी, आपको ये कमरा ठीक ठाक तो लग रहा है ना? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है ना तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं मीरा दिख रहा, एक तो फर्स्ट क्लास है। से एक बात कहूं, तूने आज गौरा को सॉलिड जवाब दिया। क्या एक्टिंग की है, मानना पड़ेगा। एक ही सेकंड में बाजी पलट दी। कलाकारीगिरी दिखाने में तू एकदम बुझ पर गई है। वो सब ठीक है नानी, पर अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज से आपको हमेशा मेरा ही फेवर करना है। भूल जाइए अपनी समधन कोकिला मोदी और उसकी गोपी बहू को। आज बेघर होने से मैंने आपको बचाया है, इसलिए आज से, इनफैक्ट अभी से, आपको हर मामले में मेरी साइड लेनी होगी। तू ये बात ना कहती ना, फिर भी मैं यही करने वाली थी कि मैं तुम्हारी नानी हूं। तुम्हारे हर अच्छे बुरे समय में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ूंगी। ये वादा है। मैं रसोड़े से अपने लिए पानी लेकर आती हूँ। I'm sorry नानी, पर आपको इस घर में लाने के पीछे भी मेरा ही तो स्वार्थ है। जब मैंने देखा कि दादी आपको घर से बाहर निकाल रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आपको इस घर में लाकर अपनी टीम स्ट्रांग करने का इतना बड़ा गोल्डन चांस कभी वापस नहीं मिलेगा। और इस घर में जो जो मेरे साथ हुआ है, उसके बाद यहाँ अकेले रहने में बहुत खतरा था। बाजी ने मुझे और विद्या को बहुत टॉर्चर किया है, इसीलिए मैं चाहती थी कि कोई ऐसा आए जो बाजी से वन अप हो और उनको बराबर की टक्कर दे सके। गौरा सूर्यवंशी, अब मुझे आपकी सच्चाई और आपके इंटेंशंस सब पता चल गए। मेरी दादी से दुश्मनी निभाने के लिए आपने मुझे यूज किया ना, हमेशा मेरी डोर अपने हाथ में रखकर मुझे अपने ही फैमिली वालों के खिलाफ भड़काया ना। पर बस अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं अकेली अपनी पूरी फैमिली से लड़ सकती हूं तो मैं इस घर में रहकर आपको सबक भी सिखा सकती हूं। क्योंकि अब मैं अकेली नहीं, इसलिए आप सुधर गए तो ठीक है, वरना मैं क्या कर सकती हूं वो बस देखते जाइए। माँ जी, अब मामी जी वहां पहुंच गई हैं। अब मुझे लगता है कि हमें हमारे प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए, पर सावधानी से। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बारे में अहम जी को कुछ भी ना पता चले। ये चंडा चौकड़ी घुसर घुसर करके क्या खिचड़ी पका रही है? सब लोग सतर्क रहिएगा, अहम को पता चल गया उस वीडियो के बारे में तो वो सहन नहीं कर पाएगा। हाँ कोकिला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर अब आगे जो कुछ भी करना है वो हम सब सोचकर मिलजुल कर नक्की करेंगे।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चक्कर क्या है, ऐसा क्या है उस वीडियो में जो ये लोग अहम से छुपाना चाहते हैं? ये कैसे कपड़े निकाल रहा है तू? भाई मेरे, हम शादी पे जा रहे हैं, रैकिंग पे नहीं जा रहे हैं, जो इस तरह के कैजुअल कपड़े निकाल रहा है। शादी? इसकी शादी में जा रहे हैं? देख भाई, तुझे जो पहनना ना तू पहन। मैं तो शादी में ये पहनने वाला हूँ। अबे लेकिन यार, ये रोहित को इतनी भी क्या जल्दी थी है? ये बारात का मुहूर्त सुबह सुबह निकाल दिया। अब तू क्लिप करना बंद करेगा मेरे बाप, जल्दी से रेडी हो जा। हमेशा फंक्शन में तेरी वजह से लेट होते हम लोग। इस घर का ये रास्ता तो बड़ा ही दिलचस्प है। हर बार यहाँ से गुजरते समय मुझे कुछ न कुछ नया जानने लायक मिल ही जाता है। मुझे आपका मोबाइल दीजिए ना, वो कुछ दिन पहले साहिर भैया ने एक कार्टून फिल्म डाउनलोड करके दी थी, मुझे वो देखनी है। अभी बहुत रात हो गई, कल स्कूल भी जल्दी जाना है ना, अभी जाओ जाकर सो जाओ, बाद में कार्टून देख लेना। नहीं माँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए देखूंगी बस। राशि क्यों नहीं सुनती है बेटा तू बात? देख कल जब स्कूल से वापस आएगी ना, उसके बाद दोनों मिलकर देखेंगे कार्टून फिल्म, ठीक है? पर माँ मुझे तो आज और अभी ही देखनी है, क्योंकि मैं पापा के साथ देखूंगी। राशि, राशि ने इतनी जिद्दी हो गई है ना। भगवान, राशि फोन लेकर अहम जी के पास गई है। राशि, राशि रुक जा, राशि, राशि रुक जा बेटा, राशि मेरा फोन दे। नहीं दूंगी, मुझे पापा के साथ ही फिल्म देखनी है। फोन दे। जिगर, कल की सारी तैयारी? हाँ भाई। क्या हुआ, क्या सोच रहा भाई? मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, छोटी सी बात के लिए काकी जी ने मम्मी जी को घर से निकाल दिया। राशि, राशि रुक जा, राशि। पापा, मुझे आपके साथ थोड़ी देर के लिए फिल्म देखनी है, पर मम्मी मुझे मना कर रही हैं। अब समझाइए ना इन्हें। अहम जी देखिए ना, ये शैतान हो गई है, मेरा फोन लेकर भाग आई यहाँ। तो क्या हुआ? अरे उसे कार्टून फिल्म देखनी है तो देखने दो। कल उसको स्कूल जाना है, अभी जल्दी नहीं सोएगी तो कल सुबह कैसे उठ पाएगी? गोपी, राशि के साथ इतना स्ट्रिक मत बनो। राशि जाओ अपने कमरे में, जाकर सो जाओ। देखो कार्टून कल देख लेना। हाँ राशि। अहम जी लाइए फोन लाइए। गोपी जिगर, तुम दोनों तो राशि के पीछे ही पड़ गए। भाई कल पब्लिक हॉलीडे है, उसका स्कूल बंद है, और वैसे भी अगर तुम दोनों कुछ सिखाना है तो कल सिखाना, आज नहीं। आज हम दोनों मिलकर कार्टून फिल्म देखेंगे, है ना? ये कान्हा जी, अब सब आपके हाथ में ही है, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए कान्हा जी। देखा, लगता है तुम्हारी गोपी माँ ने हमें परेशान करने की पूरी ठान रखी है। ये देखो फोन ही बंद हो गया, अब कैसे देखेंगे? जाइए जाकर अपने कमरे में सो जाइए, फिल्म बाद में देखिएगा। आपका लाख लाख आभार कान्हा जी, आज आपने बचा लिया, लेकिन अब मुझे चौकन्ना रहना होगा। चलिए मैडम चल के सो जाए। गोपी सुनो, विद्या कोई कॉल आया? हाँ अहम जी, फोन तो आया था, कह रही थी सब कुछ ठीक है वहाँ। सब ठीक है मतलब? तो गौरा मासी मान गई,
मामी जी को अपने घर पे रखने के लिए? हाँ चलिए, मैं भी सोने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण। आज तो बाल बाल बच गए। मुझे लगता है ये वीडियो मुझे डिलीट कर देना चाहिए। नहीं, इस वीडियो के जरिए मीरा को ये एहसास दिला सकते हैं कि गौरा उसके पीठ पीछे क्या कर रही। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।